हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एक बार राजनीति का शौक पाला था और इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए थे। इस चुनावी मुकाबले में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज और कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को पटकनी दी थी। मुकाबला काफी दिलचस्प था, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के कारण राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर चल रही थी, लिहाजा अमिताभ कीर्तिमान मतों से जीत दर्ज कराई। अमिताभ भी अपने मित्र राजीव की मदद करने के लिए ही राजनीति के मैदान में उतरे थे। वो दौर आम सभाओं और दीवारों पर चुनावी नारे लिखने का था। अमिताभ के साथ बहुगुणा के पक्ष में जमकर नारे ईजाद किए गए। एक नारा बहुगुणा की ओर से लगाया गया था जो आज तक लोगों को याद था, वो था, सरल नहीं संसद में जाना, मारो ठुमका गाओ गाना, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में। समय ने साबित किया कि सचमुच लंबू यानी अमिताभ राजनीति के शिकंजे में ही फंस गए थे। बोफोर्स तोप सौदा और उसमें दलाली खाने का शोर मचा और उसमें अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन का नाम भी लिया जाने लगा। इस बदनामी को दूर करने के लिए वे अदालत भी गए और मुक्ति पाई, लेकिन उन्हें 3 साल में ही लग गया कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने 3 साल बाद ही संसद से इस्तीफा देकर राजनीति से तौबा कर ली। इसके बाद उन्होंने अपने मित्र अमर सिंह के कहने पर पत्नी जया बच्चन को समाजवादी पार्टी के बैनर तले राजनीति में उतारा और वो आज भी राज्यसभा की सदस्य हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।